हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ हों और अपने घरों में सुरक्षित हों। माता रानी आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएं, सभी लोग स्वस्थ रहें और समृद्ध हों। आज 9 दिसंबर है, मार्गशीर्ष महीने का गुरुवार, पहला गुरुवार। लास्ट ईयर से शुरू किया था मैंने महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजा, मार्गशीर्ष महीने वाले जो महालक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो इस महीने 4 गुरुवार आने वाले हैं, आज ये पहला गुरुवार है। और मेरा व्रत, सुबह का वही रूटीन, हस्बैंड की ड्यूटी, टिफिन, मैं और शुभम है घर में, तो मेरा व्रत था तो जो सुबह टिफिन के लिए बनाया उनके लिए वही शुभम के लिए था, दोपहर में वही घर वाले रोज वाले काम। फिर मैंने शूटिंग नहीं की थी, ना तो पूजा का ना ही ये। पूजा में भी मुझे देर हो गई थी, सुबह पहले टिफिन विफिन करो, फिर घर की साफ सफाई, फिर नहाना धोना, देर हो गई थी। अब शाम का टाइम है और मैं यहाँ पर प्लांट्स में पानी दे रही हूँ जो बेडरूम में बालकनी है, और फिर अब किचन के काम शुरू करूंगी। रात में यही है कि रसोई में बहुत शॉर्टकट बनाना, ये इन्हीं दोनों का खाना है, शुभम और गुप्ता जी के लिए मेरा उपवास है, तो मुझे सिर्फ प्रसाद के लिए खीर बनानी है। तो मैं सोच रही थी काफी दिनों से कि कुछ चेंज करते हैं होम डेकोर के लिए, तो फिर मैं आज करना चाहती हूँ। दीपावली के टाइम पर मैंने लगाए थे सोफा दीवान के कवर, तो आज हम ये दीवान कवर चेंज कर रहे हैं। दीपावली में जब मैंने लगाया था ये दीवान कवर, इसी से मैच करके वो सोफे के कवर लगा लिए थे, और दिवाली हुआ फिर वही सब फेस्टिवल टाइम, इसके बाद फिर हमारा जाना हो गया, तो आज मैं निकाल रही हूँ ना। इसमें भी जैसे दीवान सेट में 2 लोड कवर हैं, दीवान सेट है, ये 5 कुशन कवर हैं, और ये बहुत ही सुंदर, मतलब एक्चुअली जैसा ये प्रिंट दिख रहा है, इतना ब्राइट ब्राइट व्हाइट बेस में जो डार्क कलर के चेक्स बने हैं और ये फ्लावर्स बने हैं, ऐसे खिल के दिख रहा है, और ये कैसा कलर है, ऐसी प्रिंट है कि समर्स में भी अच्छी लगती है और विंटर्स में भी। व्हाइट बेस में फ्लावर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। मैं जैसे डाल रही हूँ ना, बिछा रही हूँ, तभी मैं बिछाने के पहले इसे फील कर रही हूँ कि अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, व्हाइट बेस में है, पसंद है मुझे ऐसे कलरफुल वूल वाले। और ये थोड़ा सा चेंज भी हुआ, जैसे अभी तक मैं काफ़ी दिनों से जो पैटर्न यूज़ कर रही थी, ये जो दीवान सेट है ये डील ऑफ द डे में मिला है, 599 में पूरा दीवान सेट है। फैब्रिक इसका प्योर कॉटन केसमेंट कपड़ा, आपने कभी पहले अगर यूज किया हो केसमेंट, मोटा जो कपड़ा आता है, कलर जाने की कोई शिकायत होती ही नहीं है इस कपड़े में, क्योंकि मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ। एक बेडशीट थी हमारी केसमेंट कपड़े की, डबल बेड बेडशीट, काफी टाइम चली, मतलब ये कपड़ा फटता ही नहीं, आप बोर हो जाए लेकिन कपड़ा नहीं फटता, मोटा कपड़ा रहता है अच्छा, और कलर भी नहीं जाते हैं, खूब यूज करो, मतलब धो बिछाओ। 599 में पूरा दीवान सेट। अब दीवान सेट चेंज किया तो फिर सोचा चलो कर्टन भी चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने वो डार्क वाले हटा के व्हाइट वाले लगा लिए हैं, क्योंकि वो व्हाइट व्हाइट लगेगा। सोफे कवर हटाए तो दिल कर रहा है कि ना लगाओ कुछ कवर, व्हाइट ही कुछ दिन के लिए रहने दें, लेकिन क्या करें, व्हाइट में बस वही शिकायत है, जहाँ सारा दिन बैठना होता है ना जिन चीज़ों में, फिर वो गंदे बहुत होते हैं। और हमारे यहाँ हॉल किचन कनेक्टेड है, जैसे मैं किचन में हूँ, बच्चे और मैं और शुभम है, पूरा टाइम यहीं पे बैठना है हॉल में, तो सोफे या दीवान यहीं बैठना होता है, तो वाइट बहुत गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने डाल दिया है कवर फिलहाल। और टेबल का भी जो मरून कलर का डाला हुआ था कवर नेट वाला, वो भी काफ़ी टाइम से लगा था, क्योंकि जब हमने दीवान सेट चेंज किया था तभी, मैं अक्सर ऐसा करती हूँ दीवान सेट लगा कि उससे सिमिलर मैच करके कुछ भी टेबल पे लगाया, तो यहाँ व्हाइट कलर का लगाया है मैंने, क्योंकि मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, बस आज चेंज किया है। तो इस तरीके से हॉल का कुछ लुक चेंज करने वाली थी मैं, वही तो जब होम डेकोर की बात आती है तो जब कुछ चेंज करना हो ना हॉल में, तो लगता है फिर सारा कुछ ऐसे आसपास जो भी है चेंज कर लो, फिर वो एकदम न्यू लुक लगता है। तो ये डाइनिंग टेबल का हो गया। एक ये बहुत 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 प्यारी क्यूट सी, ब्यूटीफुल है, क्यूट भी है, साइकिल, और उसमें है ये बंच रोजेज छोटे छोटे से, बहुत ही सुंदर है ये, जितना प्यारा देखने में लग रहा है
एक्चुअली उतना ही प्यारा ये रियल में भी है। जैसे कुछ चीजें होती हैं कि ठीक है आपको देखने में फोटो में अच्छा लग रहा है, हम लोग मंगवाते हैं लेकिन फिर उतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता, पर ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। साइकिल कहो, रिक्शा कहो, क्या कहो इसको, है ना, बहुत प्यारा। और जो बंच लगा है ना रोज वाला, ये भी बहुत प्यारा है। 479 रुपीज में ये प्यारी सी क्यूट सी साइकिल कम रिक्शा और रोज, बहुत ही प्यारा है 479 रुपीज में। तो मैंने उस कॉर्नर पे रखा है ग्लास शेल्फ में। और एक ये बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत ही प्यारा, मतलब जब मैंने देखा था ना पिक्चर में ऑनलाइन शॉप करते समय, तब भी वो मुझे सुंदर लग रहा था, और जब इसको आया है घर में रियल में बहुत सुंदर। एक ट्रे है ब्लैक कलर की, और यहाँ पर बुद्धा स्टैचू है फेस, और ये लोटस दिया है, और ये ड्राई पेटल्स हैं, रोज पेटल्स या फ्लावर पेटल्स, इनको इस तरीके से ट्रे में पूरा ऐसे सेट करके लगाते हैं। आप इसे मतलब ड्राइंग रूम में, हॉल में, कहीं पर भी, घर के किसी भी कोने में रख देंगे ना, बहुत ही सुंदर पीस है ये, बहुत सुंदर। और इसकी प्राइस है 497 रुपीज। 497 रुपीज में ये इतना सुंदर सा प्यारा सा शो पीस है, बहुत सुंदर। अब जैसे यहाँ पर लोटस जो कैंडल जलाई है हमने, कभी आप दूसरा जैसे वो कैंडल्स होती हैं अलग अलग तरह की डिजाइन वाली, वो भी रख सकते हैं। जैसे मैंने साइड में ये लैंप लगाने वाली हूँ, तो यहाँ पर ये देखो मैंने ऐसे दिए लगाए हैं, और इनके ऊपर जो कैंडल वो लैंप है ना वो ऐसे रख सकते हैं। तो मतलब इस जो बुद्धा स्टैचू है इसके आसपास जितने आप दिए दो चार रखेंगे ना, उतना ही और ज्यादा सुंदर लगता है। और ये बहुत ही प्यारा सेंटर टेबल पे जैसे रखते हैं ना ड्राइंग रूम में, वहां पे भी रख सकते हैं, कॉर्नर में भी रख सकते हैं। और ये है एंट्रेंस हमारे बेडरूम के लिए, क्योंकि हमारा हॉल किचन कनेक्टेड है। अब किचन के बाद ही यहाँ से अंदर बेडरूम होता है, तो ये पार्टीशन जैसा हमने लगा रखा है, पार्टीशन भी ऐसा कि पैक्ड वाले पर्दे नहीं लगाए हैं शुरू से ही, मैं हमेशा नेट वाले यूज करती हूँ, और ये हमने मंगवाया है येलो कलर वाला नेट का, ये बहुत ही सुंदर है। मेरे पास पिंक भी है इसी टाइप में, एक लाइट ब्लू फिरोजी कलर का भी है, आपने देखा होगा। और ये है लाइट येलो, ये लाइट येलो क्रीम कलर का एक डार्क कलर, बहुत सुंदर है। डील ऑफ द डे में ये कर्टन सेट हमें मिला है 449 रुपीज। 449 में ये इतना सुंदर और प्यारा सा, इसे आप कहीं पर भी जैसे पार्टीशन देना है इस टाइप का लुक देता है, सुंदर भी लगता है, और पूरा ऐसे बंद पैक पर्दा भी नहीं लगाना है कि बस शो के लिए, और कहीं पर भी लगाएं। हॉल में भी बहुत से लोग लगाते हैं जैसे पार्टीशन, अब हमारे यहाँ हॉल और किचन कनेक्टेड है, अगर हम लंबा सा ऐसे करना चाहें ना ऐसे पार्टीशन, तो भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर एंट्रेंस में हमें दिक्कत होगी। यहाँ डाइनिंग टेबल भी रखा है, इस वजह से हमने पूरा ऐसे कवर नहीं किया है, मैं बस उतने ही एरिया में लगाती हूँ। तो अब हमारा हॉल और किचन का डेकोर हो चुका है, तो चलो अब बेडरूम की बारी है, बेडरूम में चलते हैं, और वहां पर भी मैं आपको कुछ बहुत ही सुंदर सा दिखाने वाली हूँ। और ये है हमारा छोटा सा बेडरूम, आपने पहले भी देखा होगा। ये ब्लैंकेट है, बहुत ही लाइट वेट। एक तो ये डबल कलर्स में है, चाहे तो ये फ्लोरोसेंट येलो भी रख सकते हैं ऊपर, और या फिर ये जो ब्लू है ये रख सकते हैं। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, मुझे लग रहा है जब से अभी मैं घर से वापस आई हूँ ना, एक हफ्ता हो रहा है हम इसे एक हफ्ते से यूज कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एकदम हल्की ठंड होती है, हल्की ठंड के लिए ये बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। एक तो रजाई इतनी हैवी हो जाती है, आजकल कोई यूज नहीं करना चाहता है। फिर इसके बाद ब्लैंकेट होते हैं, यदि आप हैवी ब्लैंकेट लेते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है, और अगर लाइट वेट वाले ब्लैंकेट लेते हैं तो फिर रात में, देर रात में बच्चों को सर्दी लगने लगती है। पर ये एक हफ्ते से मैं यूज कर रही हूँ ना, मुझे बहुत पसंद आया, और ये हमने अभी नया मंगवाया है। इसमें जो क्विल्टिंग है और लाइट वेट है, मतलब जैसे अगर आपने इसको ओढ़ रखा है तो ऐसा फील होता है जैसे
साड़ी दुपट्टा जैसी कोई चीज है, इवन शॉल भी थोड़ी हैवी होती है, ये उतना भी हैवी नहीं है। और अगर देखा जाए तो एसी रूम में जो लोग 12 महीने एसी यूज करते हैं और जो बीच के ऐसे मौसम होते हैं जिनमें ठंडा लग रहा होता है, तो ये एसी रूम के लिए भी काफी काम आएंगे। जैसे होटल वगैरह में रहता है ना कि परमानेंट एसी रूम में रहती है ब्लैंकेट, तो ये वो वाला काम भी करेगा। इसकी प्राइस है 1699 रुपीज। 1699 में ये बहुत ही अच्छी चीज है, मुझे बहुत पसंद आई है। और ये हमने अपने बेडरूम के लिए लिया है, दो हमने और लिए हैं इस तरीके के, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक तो लिया है शुभम के रूम के लिए और एक शुभी के लिए। कोटा में काफी ठंड है और उसको जो हमने ब्लैंकेट दिया है उसके उसमें काम नहीं चल रहा है, तो उसके लिए मैंने एक लिया है। तो ये डबल बेड के हिसाब से है, अच्छी खासी लंबाई चौड़ाई है और ये येलो कलर है। एक ये सेम क्वालिटी है लेकिन ये उससे थोड़ा सा हैवी है, मतलब हल्का सा, बहुत नहीं, वो तो बिल्कुल रुई जैसा है जो मैंने पहले दिखाया। और ये भी वही है, इसमें भी बिल्कुल लाइट वेट है, क्वेल्टिंग की गई है पूरे। ये देखो डबल बेड का साइज है जैसा उसमें था, इसमें ब्लू भी है एक साइड, डार्क ब्लू, वो वाला थोड़ा सा लाइट ब्लू है, ये एकदम डार्क नेवी ब्लू है और दूसरा साइड रेड है, तो दोनों ही साइड डार्क कलर है तो गंदे जल्दी नहीं होंगे। और ये भी बिल्कुल लाइट वेट है, गर्म है, लेकिन मैं तो वो वाला यूज कर रही हूँ, ये शुभम यूज कर रहा है तो वो भी ये कह रहा था कि ये काफी गर्म है। तो ये हो गया शुभम के लिए। इसकी प्राइस है 1499 रुपीज। ये भी बहुत बढ़िया है, जैसा कि सेम क्वालिटी में बताना चाहूंगी कि रजाई जैसे हैवी नहीं है, ब्लैंकेट जैसे लाइट और बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, तो ये जयपुरी रजाइयां जो होती है ना वैसा वाला फील दे रहा है, एकदम सॉफ्ट फेदर वाला। और ये एसी रूम के लिए भी बढ़िया है, बच्चों के लिए और ऑल सीजन में भी काम आ सकती है। और महाराष्ट्र में जो भुसावल में जैसे हम रह रहे हैं बॉम्बे साइड में, यहाँ पे बहुत कम ठंड होती है, तो यहाँ की ठंड के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है। अब यूपी की कड़क वाली ठंड का तो मैं नहीं कह सकती, जो हम यूज कर रहे हैं ये महाराष्ट्र की ठंड के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और यदि आपको पसंद आए, आप लेना चाहें तो जरूर देख सकते हैं, आपको कोई शिकायत तो नहीं मिलेगी। कपड़ा भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट नरम, और वॉश करने में भी वॉशिंग मशीन में इनको होम वॉश किया जा सकता है, उस वाली में भी यही चीज है जो मैंने पहले दिखाई थी और इसमें भी सेम है। तो आप देख रहे हैं इसका साइज भी काफी अच्छा है, मतलब डबल बेड साइज है। फुल दूसरा साइड भी कलर दिखा रही हूँ मैं आपको रेड वाले की तरफ से, रेड कलर प्यारा वाला रेड है, एकदम सुंदर जी। कैसे तैयार है ये? और एक ये ली गई है तो जो कि मैं बोल रही हूँ एक शुभी के लिए, कोटा में जनवरी में हम लोग जाने वाले हैं शुभी के पास, या शुभी आएगी जो भी होगा, तो ये शुभी के लिए है। ये भी डबल कलर है, एक साइड ब्लू है लाइट ब्लू, एक साइड डार्क ब्लू है, सेम क्वालिटी है, एकदम लाइट वेट है, डबल बेड के लिए है और इसमें भी एक क्वेल्टिंग की गई है, जो फ्लावर्स बने हुए हैं। क्वालिटी सबकी तीनों की सेम है, थोड़ी बहुत कम ज्यादा है इसीलिए प्राइस में भी डिफरेंस है। ये 1350 रुपीज की है, 1350, और उन दोनों की प्राइस में वही जो थोड़ा बहुत प्राइस में फर्क है, तो मे भी प्राइस के साथ साथ थोड़ा सा क्वालिटी में भी फर्क हो सकता है, और लेकिन है सेम वही चीज, क्वालिटी वही है, वॉशेबल, ये भी वही मशीन वॉश कर सकते हैं
और जो हल्की ठंड होती है उसके लिए बहुत बढ़िया है, जहाँ यहाँ पर जो ठंड होती है भुसावल में। या कई बार होता है कि फैन ऑन कर लिया बच्चों ने, कुछ हल्का सा उड़ना है, बीच के ऐसे सीजन होते हैं उनमें भी ये बहुत काम आने वाली है। इसको क्या कहना चाहिए, जयपुरी रजाई जैसा भी है ये, और ये लाइट वेट ब्लैंकेट है तो ये भी बहुत बढ़िया है, हल्की ठंड के हिसाब से सुपर क्वालिटी और बहुत नरम है, तो ये चीज बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, मैंने जितनी भी ये तीन रजाइयां दिखाई हैं, आपको कोई भी पसंद आती है, आपकी कोई जरूरत है तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा जो भी आपकी जरूरत के हिसाब से है, पर तीनों ही बहुत बढ़िया है। तो ये हो गए ब्लैंकेट्स, और ये सब करते करते 6 बजे से शुरू है हमारी शूटिंग, और अब हमें डिनर की तैयारी भी करनी है और प्रसाद भी बनाना है, तो किचन में चलते हैं। तो फिर अब जैसे ही बेडरूम से आई हूँ किचन में, यहाँ पर दूध के पैकेट्स रखे हैं रोज के जैसा। अब रात के खाने की तैयारी करनी है फटाफट से, दूध बॉईल करने रखूंगी मैं सबसे पहले, और ये हार्ड एनोडाइज्ड वाला जो भगोना है, मिल्क का जो पतीला है जिसमें मैं दूध उबालती हूँ, तो ये 2 लीटर का है, इसमें ही मैंने यहाँ पर दूध डाल करके गैस पर रख दिया है। अब हमारी खुशखबरी ये है कि तीनों गैस जलने लगी हैं, बहुत मजा आ रहा है, बढ़िया है। तो कॉर्नर पे मैंने दूध रखा, अलमारी से ड्राई फ्रूट्स निकाले हैं, साथ में घी का डब्बा। आज मैंने ये घी दानी में धुली थी क्योंकि मुझे प्रसाद बनाना था, तो खीर तो साफ चाहिए, मतलब घी साफ चाहिए, और ये खाली हो गया था इसलिए भी, वरना मैं बड़े डब्बे से लेती हूँ, क्योंकि जब हमें पूजा व्रत के लिए कुछ भी करना है तो अलग से जो डब्बा होता है ना घी, उसी से यूज करती हूँ मैं, और ये तो हम लोग जो निकालती हूँ मैं घी पॉट में, ये तो डेली यूज होता रहता है, तो मैंने इसमें घी डाला है। और अभी ये जो मैंने घी बनाया था 2 दिन पहले, रवेदार घी, कितना खुशबूदार है। ये काजू बादाम किशमिश और कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, ये 4 ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, वैसे मैं 5 ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, अभी एक और डालूंगी बाद में, तो ये मैंने घी के साथ भून लिया है। और ये चावल मैंने भिगो के रखे थे धुल करके ही, शाम को चाय पीने के बाद 2-3 चम्मच के करीब, फिर ये भीग जाते हैं तो नरम हो जाते हैं, फिर टूटते हैं तो हाथों से ऐसे मसल दिया तो बिल्कुल बारीक हो जाता है टुकड़ा चावल का, और इसको मैंने डाल के घी में भून लिया है। वो 5वां ड्राई फ्रूट ढूंढे जा रही हूँ, अलमारी में मखाने का डब्बा दिख ही नहीं रहा था, फिर मैंने कहा चलो देखते हैं बाद में फिर, और अब मैंने डाल दिया है दूध। तो अब दूध डाल करके ड्राई फ्रूट पहले घी में भून लिए हैं तो उनकी खुशबू और टेस्ट अच्छा लगता है, और आज मैंने ऐसे मोटे मोटे ही काजू ऐसे 2 टुकड़े करके डाल दिए हैं, कभी कभी अच्छा लगता है ऐसे टुकड़े खड़े खड़े से, बादाम भी ऐसे खाने में आए। और ये ड्राई फ्रूट्स के डब्बे मैंने पहुंचाए अलमारी में, अभी भी मैं मखाने के डब्बे की तलाश कर रही हूँ, लगता है खत्म हो गए, कई बार होती है ना चीजें उसी टाइम पर खत्म हो और लिख लो तब याद रहती कि हाँ ये चीज मंगानी है, और दिमाग से निकल गया तो हम डब्बा ही ढूंढते जा रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पर खीर को पकने रखा, फिर ये हुआ कि क्या बनाया जाए खाने में, तो कल ही जो बैंगन आया था एकदम ताजा रखा है तो वही बनाना था, बैंगन का भरता, उसके लिए मुझे थोड़ी सी मटर चाहिए, मटर आज फिर से आ गई है तो ये आराम से बैठ के छीली जाएगी। फिलहाल मैं थोड़े से दाने निकाल करके जितनी देर बैंगन भुन रहा है तो मटर छील ले रही हूँ। तो एक टमाटर और थोड़े से हरी मटर और बैंगन, क्योंकि शुभम और गुप्ता जी का खाना है मुझे खाना नहीं है, तो यहाँ पर मैंने बैंगन भूनना शुरू किया। ये स्प्रिंग अनियन है, हम जब भी भरता बनाते हैं तो स्प्रिंग अनियन डालते हैं तो उसका टेस्ट हम लोगों को अच्छा लगता है, पहले नहीं डालते थे, अब जब से डालने लगे हैं 2-4 बार खाया है तो अच्छा लगता है, तो मैं नॉर्मल प्याज ना डाल करके स्प्रिंग अनियन का यूज करती हूँ, और इस सीजन में आती भी है खूब अच्छे से। स्प्रिंग अनियन से ना आप पराठे पूरियां रोटियां कुछ भी बनाएंगे एक अलग सा स्वाद आता है। मन था मेरा पराठे बनाने का, किसी दिन बनाऊंगी स्प्रिंग अनियन के पराठे, मम्मी ने मुझे बोला एक दिन फोन पर बात कर रहे थे कि मीनू तुम वो प्याज के पराठे तो तुमने अपने चैनल पर डाले ही नहीं, हमने कहा अच्छा ठीक है बनाएंगे किसी दिन, या रोटी या पराठा कुछ भी। तो ये छिलका विलका ऊपर का मैंने निकाल के डस्टबिन में डाला, ये छोटा डस्टबिन मैं ऐसे साइड में रखती हूँ ना, इसमें प्लास्टिक लगी हुई है और जैसे थोड़े छोटे छोटे ये सब सब्जी वाला जो रहता है ना ये सब मैं इसमें डालती रहती हूँ, बाकी बड़ा वाला दूसरा है। तो बैंगन भी भुन गया, यहाँ दूध बॉयल हो गया, गैस बंद कर दिया, खीर को बीच बीच हिलाती जा रही हूँ, खीर पक रही है और बैंगन भुन गया है, उसको मैंने साइड में रखा है और छिलका निकालेंगे, तो यहाँ पर भरता भी जल्दी बन जाएगा। आज मैंने होम डेकोर का
काम भी शाम को इसीलिए किया, मुझे पता था सिर्फ भरता रोटी बनना है वो तुरंत बन जाएगा और ये काम मुझे करना ही था। दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, आधा दिन तो सुबह का वैसे वैसे काम में निकल जाता है। बट बैंगन मैंने पूरा अच्छे से साफ किया है बाहर से, अंदर पूरा चेक किया है, एकदम साफ है। और मैंने निकाला है अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया। मैं इस कंटेनर में एक साथ रखती हूँ फ्रिज में एक साइड। इसमें तीन बॉक्स हैं, व्हाइट कलर का ये जो ट्रांसपेरेंट सा है, तो तीन बॉक्स में अलग अलग रखती हूँ अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया। वो तीनों ही मैंने निकाला है। और यहाँ पर दूध की पहले मैंने प्लेट ढक दी है और कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करने रखा है। तो एक साथ तीन तीन काम अब हो रहे हैं, बीच में मैं खीर भी हिलाती जा रही हूँ। और जैसे ही तेल गर्म हो गया है, इसे मैंने डाला है हरी मिर्ची कटी हुई, अदरक कद्दूकस किया हुआ और ये स्प्रिंग अनियन डाली है। इसमें जो इसका टेस्ट है बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा रहे भी ना, तो जब ये पकाते हैं तो कम हो जाता है। तो चूंकि एक ही बैंगन का भरत है तो उसके हिसाब से मैंने डाला है थोड़ा थोड़ा रखा हुआ स्प्रिंग अनियन, थोड़ा ज्यादा ही आ जाता है ना वो। और इसे मैंने भून लिया है। अब यहाँ खीर हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है, तो मैं खीर में डाल रही हूँ गुड़। आजकल मैंने चीनी ना के बराबर यूज करनी शुरू की है, मतलब यूज ही नहीं है। मेरी चीनी यूज कब होती थी? खीर और चाय, इसके अलावा किसी चीज में होती नहीं थी। अब वो भी बंद हो गई, गुड़ की चाय बनने लगी है, तो मैंने खीर में भी गुड़ डाला है। आपने देखा इसी टाइम पर अभी गैस ऑन भी है, मतलब जब खीर पक गई है, ये है कि थोड़ी देर अभी बस गर्म करना है। गुड़ डाला है और गुड़ डाल करके कुछ मिनट इसको इस तरीके से मैंने पकाया है ताकि ये जो गुड़ है वो पूरा घुल जाए और एक अलग सा टेस्ट आता है कोई भी चीज पकाने पे और यूं ही कच्चा डालने पे ना, ये चीज है। पर ये गुड़ बहुत अच्छा है, फट नहीं रहा है। मैं अगली बार जब ये गुड़ आएगा तो मैं पैकेट दिखा दूंगी। मैंने क्या हुआ, पैकेट आया था, एक बड़ा सा टिक्कड़ था, मैंने फोड़ के ऐसे डब्बे में भर लिया। फिर बाद में शूटिंग हुई, वो होता है ना, जब शूटिंग कर रहे हो तब हर चीज शूटिंग के टाइम पे चलती रहती है। अब मैंने बैंगन में डाला है मटर और टमाटर, तो बैंगन नहीं, प्याज। और फिर इसी टाइम पर डाला है नमक, नमक डाल करके मिक्स कर दिया है तो टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। और मैंने इसे कुछ मिनट के लिए ढक दिया है, मटर भी पक जाएगी ढकने से और नमक डालने से मटर टमाटर जल्दी गलेगा। अब यहाँ गुड़ डालने के बाद भी देखो खीर पक रही है, मतलब गुड़ डालने के बाद ही मैंने थोड़ी देर खीर को पकने दिया। तो इसीलिए यही कंक्लूजन है कि कुछ गुड़ की भी क्वालिटी होती है। अब मैंने गैस बंद किया है क्योंकि फिर ना ठंडे होने पे खीर फिर ज्यादा ही ठंडी हो जाती है। और मैंने दूध को ढक, खीर को भी ढक दिया है और यहाँ लिड हटाई है कढ़ाई से। और ये मटर टमाटर अच्छे से गल गए हैं, सब अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। स्प्रिंग अनियन तो देखो कितनी क्वांटिटी कम हो जाती है, टमाटर भी गल चुका है पूरा और मटर भी पक चुकी है। अब इस टाइम पर मैंने डाला है भुना हुआ बैंगन, ये एक बैंगन है, सफिशियंट हो जाता है एक बैंगन है जैसे छोटी फैमिली के हिसाब से। वैसे साथ में आप लंच टाइम है तो दाल बना लें, डिनर में भी दाल और बैंगन का भरता रोटी बना सकते हैं। पर चूंकि आज जो देखा ना, अभी हापा तापी मची हुई है और खाने वाले सिर्फ दो ही लोग हैं, इस वजह से मैंने सिर्फ भरत बनाया है। वैसे ऐसा होता नहीं है जनरली कि सिर्फ भरता रोटी बने, दाल जरूर बन जाती है। या सुबह की बची हो दाल तो फ्राई हो जाए। आज सुबह भी सब्जी बनी थी, दाल नहीं बनाया था, सब्जी पराठे बने थे टिफिन के लिए और फिर वही शुभम ने भी खा लिया था। और अब मैंने यहाँ पर डाला है लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच से कम। हरी मिर्ची तो मैंने डाली है लेकिन लाल मिर्ची की तो तीखापन थोड़ा सा कलर भी देता है सब्जी में, वो अच्छा लगता है। तो ये मैंने मिक्स किया और हमारा भरता अच्छे से तैयार हो गया। भरते को भून लेते हैं, अच्छे से भूने, बिल्कुल तेल जैसे सेपरेट हो जाए। पहले देखो तेल कम ही लग रहा था ना, बस फिर इस तरीके से मिक्स करने के बाद भरता तैयार, यहाँ गैस बंद। तो अब भरता भी तैयार हो गया है, बस इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालना है। तो ये मैंने साइड में काट के रखा ही हुआ था, धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया तो भरता रेडी। और जैसे ही धनिया पत्ता मिक्स किया, भरता हमारा रेडी। अब इतनी बड़ी कढ़ैया में जरा सा भरता समझ में भी नहीं आया कि बना कितना है, तो मैं इसको फटाफट से निकाल के डोंगे में रख रही हूँ। और मुझे कल किसी ने पूछा है कि आपने ये डोंगे कहाँ से लिए थे, तो ऑनलाइन है, तो मतलब मैं बताऊं तो ये जो मतलब मेरा पुराना डिनर सेट है, शादी वाला डिनर सेट स्टील का जो है, उसके साथ के हैं ये डोंगे। और यही मैं डेली यूज करती हूँ और कितने सालों से यूज कर रही हूँ, डेली में यही हमारा यूज में होता है। तीन डोंगे हैं वो डिनर सेट में होते हैं सेट में। अब मैंने यहाँ पर निकाली है हरी इलायची, दो इलायची, उनके दाने ऐसे क्रश कर लिए हैं इसमें आज देखो। और इसको मैं डाल रही हूँ खीर में पाउडर, इलायची पाउडर।
और अब डाला है मैंने ये पांचवा ड्राई फ्रूट चिरौंजी, इसे चारोली भी कहते हैं महाराष्ट्र में, मैं हम लोग इसको चिरौंजी कहते हैं। और खीर में चिरौंजी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। दूध गर्म ही है, लास्ट में भी डाला तो भी अच्छा है। उस टाइम पे मैं मखाना ढूंढने के चक्कर में लगी थी ना, इस चक्कर में फिर चिरौंजी, अभी सोचा चलो चिरौंजी डाल देते हैं। पांच ड्राई फ्रूट डालने थे और ये चावल की खीर तैयार हो गई। जैसे जैसे ठंडी होगी तो वो और गाढ़ी हो जाएगी। उसे मैंने साइड में रखा इलायची विलायची मिक्स करके, और फटाफट से हाथ धुलते ही आटा निकाल करके थोड़ा सा नमक डालती हूँ जैसे हमेशा, और मैंने आटा गूंथना शुरू किया। अब रोटी की तैयारी होगी। तो मुझे ये है कि खीर बन गई है, मुझे प्रसाद चढ़ाना है भोग। मैं रात में खाना नहीं खाऊंगी, मतलब जो खीर चढ़ाऊंगी ना भोग के लिए वही खीर खाने वाली हूँ मैं, इसीलिए मुझे नहीं चाहिए खाने का कुछ अलग से। तो अब मैंने रोटियां सेकनी शुरू की, तो मैं बोल रही हूँ शुभम को कि खाना तुम लोग खा लो, क्योंकि एक बार गरम गरम रोटियां सेक रही हैं, तो क्योंकि मुझे तो साथ में खाना नहीं है, तुम दोनों को खाना है तो गरम गरम सब्जी रोटी मतलब ये बैगन का भरता और बढ़िया रोटी खाओ, तो उसके बाद फिर मैं आरती और वो कर लूंगी। मतलब आरती तो शाम की चलो हो गई है, लेकिन जो भोग दिखाना है ना मुझे, नैवेद्य लगाना है, तो वो उस टाइम पे कर लेंगे। तो बस मैंने यहाँ जैसे रोटियां सिकी और दो प्लेट निकाली, भरता डाला और रोटियों में घी लगा करके इनकी थालियां परोसी। शुभी को बैंगन का भरता इतना पसंद है कि अब क्या बताया जाए, और वही नहीं है घर में बैंगन का भरते के लिए। शुभम को कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब यह है कि कोई चॉइस नहीं है ना उसके पास, इसलिए वो खाएगा। अगर उसके पास चॉइस हो तो वो कह देगा कि हमें भरता नहीं खाना है, तो आज वो भी भरता ही खाएगा। और यहाँ पर ये थाली लग गई है और प्लेट्स मैंने डाइनिंग टेबल पे पहुंचाई, और जब तक इनको पहले से बोलना पड़ता है, फिर एक एक करके हाथ धोने जाते हैं, फिर चूंकि वीडियो में बैठना है तो अपना ऐसे ऐसे देखते हैं कि सब ठीक है कि नहीं। और शुभम कह रहा है मेरे बाल इतने छोटे करा लिए हैं तो अब मैं नहीं आऊंगा वीडियो में। मैंने कह रहे ऐसा क्या, पहले भी तो देखा है ना सबने तुमको बालों में भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शुभम, तुम परेशान ना हो। तो फिर ऐसे दोपहर में कह रहा था ये बात, और फिर इन लोग का खाना वाना दिया, और फिर जैसे ही रोटियां सिक गई और मैंने ये पूरे बर्तन धो डाले, क्योंकि हाथ धुलने गई किसी से बर्तन धुले, काउंटर टॉप पूरा क्लीन किया, हैंड वॉश किया, इसके बाद अब भोग प्रसाद की तैयारी। अब इन लोगों का खाना पीना हो गया, फिर मैंने किचन क्लीनिंग कर ली क्योंकि काउंटर टॉप क्लीन करना था। खाना बना खिलाया, सीधे हाथ धुला कि रसोई साफ कर ली। अब मैं नैवेद्य दिखाने वाली हूँ, मेरा उपवास है, मुझे तो खाना ही नहीं था खाना। और वैसे इस व्रत में एक टाइम खाना खाते हैं, जैसे ये चावल की खीर है तो चावल तो अनाज हुआ ना, तो इस व्रत में जैसा मुझे बताया गया है, मेरी फ्रेंड्स लोग करती हैं या भाभी जी की बहुएं करती हैं, इस बिल्डिंग में लोग करते हैं, मेरे जानने वाले लोग रात का खाना खाते हैं। मैंने लास्ट ईयर जब व्रत किया था तो मैंने खाया था कि पहली बार कोई भी व्रत में शुरू करूँ ना, फिर आगे भी हम कर सकते हैं। आज मेरा मन नहीं है तो मैं सिर्फ खीर प्रसाद ही खाऊंगी, और वैसे एक टाइम नमक वाला खाना खाते हैं प्रॉपर, जैसे घर में दाल रोटी सब्जी चावल जो भी बना हो, या पूरी पराठा कुछ भी, यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये ही खाना है। जो फैमिली के लिए लोग बनाते हैं खाना, प्रॉपर वही खाना खा लेते हैं, पर मैं नहीं खाऊंगी। और ये जो पूजा की कथा होती है ना महालक्ष्मी जी की, वो पढ़ रही हूँ मैं, पुस्तक रहती है हिंदी वाली है मेरी, इसमें मराठी की ही आती है, मैं हिंदी की ढूंढ के लाई थी लास्ट ईयर। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं फटाफट से। तो कथा पढ़ ली, नैवेद्य दिखा दिया, शाम की आरती मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो पूजा माननी की जाती है कैसे की जाती है, सुबह तो बहुत जल्दी थी और अब कोई शुभी भी नहीं जैसे हेल्प के लिए रहे तो शूटिंग कर सके, तो मैंने सुबह शूटिंग नहीं की थी, बस आराम से पूजा कर ली थी। पूजा करते करते भी मुझे देर ही हो गई थी सुबह में, टिफिन विफिन रहता है ना इनका, फिर तो मैंने शूटिंग नहीं की। लेकिन जिनको देखना है, बहुत से व्यूवर्स होते हैं जिनको जानकारी चाहिए होती है, पूजा माननी देखनी होती है, तो मैंने लास्ट ईयर की थी पूरी वीडियो शूट की थी कि किस तरीके से ये पूजा बनाई है, तो वो मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ जो भी प्रोडक्ट शेयर किए हैं, जितने भी न्यू प्रोडक्ट्स आपको दिखाए, होम डेकोर है, ब्लैंकेट्स हैं, ये सारे मैंने मेरा लिंक वेबसाइट के थ्रू परचेज किया है। मेरा लिंक वेबसाइट एक कस्टमर फ्रेंडली वेबसाइट है, यहाँ से आप कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आपको मिलता है फ्री डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, डील ऑफ द डे और 5 डेज इजी रिटर्न पॉलिसी भी होती है।
साथ ही जो न्यू कस्टमर होते हैं, जो फर्स्ट शॉपिंग करते हैं, उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। और बहुत से ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको ऑनलाइन शॉपिंग करने में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके का कोई इश्यू होता है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी शॉपिंग कर सकते हैं। मेरा लिंक में व्हाट्सएप शॉपिंग के लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप चेक कर सकते हैं। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं, या बहुत से ऐसे आइटम्स जो कि मैं डेली यूज करती हूँ, किचन में हो या होम डेकोर का है, बहुत से व्यूवर्स को उसकी लिंक चाहिए होती है, तो यदि आप मेरा लिंक पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको जो भी मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट की लिंक वहां पर मिल जाएगी। और भी एक्स्ट्रा कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मेरे पास नहीं है और आपकी जरूरत के हैं, वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आया हो, आपकी जरूरत का हो, आप लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हर आइटम की लिंक दे रखी है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल आज शाम 6 बजे से, शार्प 6 से मतलब मैं सिर्फ खड़ी हूँ, उसके पहले वीडियो की जो तैयारी वैरी की जाती है तामझाम, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। आधी आबत्ती आरती करने के बाद से शूटिंग स्टार्ट की और अब 10 बज रहे हैं। 4 घंटे से मैं सिर्फ खड़ी की खड़ी हूँ। आज मेरा व्रत भी है, वीडियो यहीं खत्म करना चाहते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।